कुछ कुछ होता है मूवी में काजोल और शाहरुख को बास्केटबॉल का खेल खेलते तो आप सबने देखा होगा और ये खेल खेला भी कई बार होगा, मगर क्या आपको पता है जिस बॉल से बास्केटबॉल का गेम खेला जाता है वो बॉल कैसे बनती है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं बास्केटबॉल कैसे बनती है और साथ ही आपको बताएंगे कि ये चमड़े की होती है या रबड़ की। तो बास्केटबॉल बनाने की शुरुआत होती है उसके लिए सबसे पहले नेचुरल रबड़ लिया जाता है। आप देख सकते हैं एक एक रबड़ में छोटा सा छेद हुआ है, इसमें प्लास्टिक के टुकड़े को फंसा दिया जाएगा ताकि इसी की मदद से आराम से हवा भरी जा सके हर एक गेंद में। अब हर एक रबड़ की शीट को लिया जाएगा और इसे डाला जाएगा डाई वाली मशीन में। इस मशीन का काम होता है इसे अच्छे से आकार देने का। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक वाले पार्ट को अंदर फोल्ड करके इसे लगा दिया गया मशीन में। इस मशीन के द्वारा इसे आकार दिया जाएगा, साथ ही साथ इसकी कटिंग भी इसी मशीन से होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे अंदर भेज दिया गया है। अब अंदर बाद ही आती है 5 मिनट बाद इसे बाहर निकालने की। अब 5 मिनट का जो वक्त है वो बीत चुका है। अब एक एक रबड़ के टुकड़े को लिया जाएगा, इसका आकार जांचा जाएगा और इसे आगे की ओर भेज दिया जाएगा और जो बाहर की ओर से प्लास्टिक झाक रहा था ना उस पे लगा दिया जाएगा रबड़ का टुकड़ा ताकि बाद में फिनिशिंग के वक्त आपको कहीं से भी प्लास्टिक झांकता हुआ ना दिखे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फेविकॉल की मदद ली जा रही है और एक एक रबड़ के टुकड़े को रबड़ के ऊपर ही चिपका के अच्छे से शेपिंग दी जा रही है। अब ये जितने भी रबड़ के टुकड़े लग के तैयार हुए थे इन्हें ले जाया जाएगा और इन्हें सुखाया जाए कम से कम 1 घंटे के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे रबड़ के टुकड़े जो है वो सूख रहे हैं और जो हमारी गेंदे हैं वो बनने के लिए बिल्कुल तैयार होती जा रही है। अब 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, सारी की सारी गेंदे सूख के तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है इनमें हवा भरने की। तो सबसे पहले रबड़ के टुकड़ों में हवा भरी जाएगी, तो उसके लिए एक एक टुकड़ा लिया जा रहा है और उसे गेंद का आकार दिया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक गेंद हमारी कितनी सुंदर लग रही है। अब इसकी डार्ट को बंद करने के लिए इसमें लगा दिया जाएगा एक प्लास्टिक का टुकड़ा, तो यहाँ पे हमारी जो गेंदे हैं वो बन के तैयार होती जा रही है। ऐसे ही सारी की सारी गेंदों में हवा भरी जाएगी और उन्हें सील पैक कर दिया जाएगा। अब बारी आती है इसके आउटर कवरेज की, तो उसके लिए सबसे पहले एक बड़ी सी मशीन ली जाती है जिसमें एक एक गेंद को लगाया जाता है और अब हर रबड़ की ये जो गेंद थी इसके ऊपर लगाया जाएगा नायलॉन का धागा। मैं आपको बता दूं इस नायलॉन के धागे को भी चिपकाया जाता है फेविकॉल की मदद से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2-2 धागे लिए जा रहे हैं और हर गेंद के ऊपर लपेटे जा रहे हैं। उसके बाद इन्हें मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा क्योंकि अब मशीन का काम होता है मशीन इन्हें गोल गोल घुमाती रहती है और जो धागा है वो नीचे से निकल निकल के फेविकॉल से लग लग के हर एक गेंद के ऊपर लगता जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी रीले लगी हुई हैं, 3-3 धागे हर एक गेंद के ऊपर लगते जा रहे हैं और यहाँ से बाहर की ओर से आती जा रही है फेविकॉल। ऐसे ही हर एक बॉल पे अच्छे से लपेटा जाएगा जब तक वो बिल्कुल सफेद ना हो जाए। जितनी भी आपको ये कालक बॉल दिख रही है ना रबड़ की, वो पूरी गायब हो जाएगी, ये पूरी कवर हो जाएगी नायलॉन की शीट से। धीरे धीरे ये कार्य होता जा रहा है और जो हमारी गेंद है वो बिल्कुल ढकती जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 90% पूरी गेंद ढक चुकी है। अब जैसे ही पूरी गेंद बिल्कुल अच्छे से नायलॉन के धागे से ढक जाएगी इन धागों को काट के अलग कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी 3 गेंदे बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब बाकी की गेंदों को भी निकाल के तैयार कर लिया जाएगा। अब बारी आती है इनके आउटर कवरेज की, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए सिंथेटिक रबड़ का इस्तेमाल करा जाता है। ये कलरफुल रबड़ के टुकड़े होते हैं जिन्हें इम्पोर्ट करा जाता है मार्केट से और फिर इन्हें दूसरी वाली मशीन में लगा दिया जाता है। एक ओर से एक भैया लगा रहे, दूसरी ओर से दूसरे भैया। आप सोच रहे हो यहाँ पे 2 गेंदें एक साथ बनने वाली है, मगर नहीं, इन्हीं दोनों से एक ही गेंद बनेगी। तो उसके लिए जो हमारी नायलॉन के धागे में लिपटी गेंद थी उसको ले लिया गया, उसके अंदर दोबारा से हवा भरी जाएगी। भाई रबड़ है तो उसकी हवा तो निकल ही जाती है, कितना ही कर लो। अब एक एक नायलॉन के जो गेंद है उसको ले लिया जाएगा, अंदर डाल दिया जाएगा और फिर इस मशीन से कर दिया जाएगा इसको बंद। अब बारी आती है बस 5 मिनट इंतजार की और हमारी बास्केटबॉल हो जाएगी बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पे हमारा जो वक्त है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब बारी आती है बॉल देखने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉल जो है वो बढ़िया सा आकार लेके बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे रोजाना 40,000 गेंदे तैयार करी जाती है। तो आप सोच सकते हैं हमारे देश में बास्केटबॉल की कितनी दीवानगी होगी। भाई हो भी क्यों ना, ये हाइट भी बढ़ाती है बच्चों की और साथ ही साथ जो भी ये खेल खेलता है ना उसे काजोल और शाहरुख की तो याद आ ही जाती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।